दोस्तों उत्पल दत्त बॉलीवुड के उम्दा कलाकारों में से एक थे, आज भी उन्हें बेहतरीन कॉमेडियन के तौर पर जाना जाता है। बताते कि उत्पल दत्त थिएटर की बड़ी हस्तियों में से एक हैं। उत्पल दत्त एक सफल नाटककार होने के साथ साथ थिएटर निर्देशक भी रहे। उन्होंने अपने हर किरदार के साथ न्याय किया। उन्होंने हिंदी फिल्म सिनेमा में ऐसे किरदार निभाए जो आज भी लोगों को याद हैं। उन्होंने कभी विलेन बनकर तो कभी कॉमेडियन बनकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। आज आप उनके बारे में काफी दिलचस्प बातें भी जानेंगे। शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं कि अभिनेता उत्पल दत्त एक मार्क्सवादी क्रांतिकारी भी थे। उत्पल ने कई क्रांतिकारी नाटक लिखे, इन्हीं में से उनका एक नाटक कल्लोल था। इस नाटक को 1963 में उत्पल दत्त ने लिखा था। कल्लोल नाटक में नौसैनिकों की बगावत की कहानी को दिखाया गया था। वास्तव में इस नाटक के जरिए तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा गया था। बता दें कि इसी नाटक की वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ गया था। 1967 में जब बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस हार गई। कहा जाता है कि उत्पल दत्त की गिरफ्तारी के चलते कांग्रेस की भी हार हुई। आपको बता दें कि उत्पल दत्त ने कई नाटकों का निर्देशन और लेखन भी किया। उन्होंने बंगाल की राजनीति पर कई नाटकों को लिखा, जिसके चलते काफी विवाद भी हुआ। देश में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने 3 नाटकों को लिखा। उनके तीनों नाटकों का नाम बैरिकेड, सिटी ऑफ नाइटमेयर्स, इंटर द किंग, जिसे सरकार की ओर से बैन कर दिया गया था। आपको बता दें कि उत्पल दत्त ने साल 1950 में बॉलीवुड से अपने सफर की शुरुआत की। उन्होंने गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी, शौकीन और गुड्डी जैसी कई उम्दा फिल्मों में काम किया। उत्पल दत्त ने तो बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म साथ हिंदुस्तानी में काम किया था। फिल्म भुवन शोम के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। बता दें कि 1993 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो दोस्तों उत्पल दत्त को बॉलीवुड ही क्या, पूरा भारत हमेशा याद रखेगा और उनके दिए गए योगदान को बॉलीवुड और हिंदुस्तान कभी नहीं भुला पाएगा।